कहते हैं उसको भी जलेबा क्योंकि ये कितना बड़ा होता है। जलेबा okay, उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बड़गाम से आगे चल रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती अपनी सीट से पीछे चल रही हैं बिजबेहरा से, इसीलिए देखिए पीडीपी सिर्फ दो पर अटकी हुई है। आप अंदाजा लगा लीजिए जम्मू कश्मीर में माहौल किस तरफ है। रविंद्र रैना पीछे हैं, बीजेपी 27 पर आ गई है। अब 90 में से बीजेपी सिर्फ 27, कांग्रेस 16, एनसी 30, यानी कांग्रेस पार्टी और एनसी का गठबंधन अभी भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की रेस में आगे चल रहा है। 48 भी अगर आप बहुमत का आंकड़ा मानिए तब भी एनसी और कांग्रेस बहुत आगे, ऐसे में लग रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी सरकार बनाने की रेस में आगे। लेकिन हरियाणा का चौंकाने वाला नतीजा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं विजय जी कि ये सिर्फ लोकल फैक्टर्स पर हो रहा है। मैं तो कहा कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर इतनी बड़ी जीत और बीजेपी की इतनी बड़ी हार, बीजेपी की बड़ी हार है। और ये मतलब सरप्राइजिंग फैक्टर की तरह से देखना चाहिए कि इतनी बड़ी हार तो भारतीय जनता पार्टी की मेरे ख्याल से पिछले 10-20 साल में कभी भी नहीं हुई है, खासतौर से मोदी सरकार के रहते हुए तो इस तरह से नहीं हुई। और लोकल फैक्टर ही नहीं, मैं तो आप बार बार बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों जो चुनाव के मुद्दे थे वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और इसका मतलब ये समझना चाहिए कि एक तो डिनायल मोड से निकलिए आप,